हेलो एवरीवन, वेलकम टू हैदराबादी फूड हब। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, एक अरेबिक स्वीट है ये, जिसे खताइफ कहते हैं, मगर हम इसे कस्टमाइज कर रहे हैं, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं ताकि आप आसानी से इसे घर पे बनाएं। आप पूरन पूरी बनाते हैं, चोबे की पूरी बनती है, तो ये भी एक तरह की पूरी है, ड्राई फ्रूट और क्रीम की फिलिंग होती है। तो आप देखिए हमारी ये कम्प्लीट रेसिपी। इसके लिए मैदा लिया है मैंने 1 कप, आटा गेहूँ का आटा है 1 कप, साथ ही इसमें ऐड करेंगे रवा 1/4 कप, ईस्ट ऐड करूंगी मैं 1/2 टीस्पून। अगर आपके पास इंस्टेंट ईस्ट नहीं है तो आप बेकिंग पाउडर की क्वांटिटी बढ़ा दें। बेकिंग पाउडर मैं 1 टीस्पून ले रही हूँ, आप 1/2 टीस्पून लिया है, आप 1 कर दें अगर आप ईस्ट नहीं ऐड कर रहे हैं। साथ ही सॉल्ट ऐड करें, शुगर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे और इसमें डालेंगे हम 1 टीस्पून असली घी। चलिए इन सब चीजों को मिक्स करेंगे और आप इसके डो बनाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता से पानी ऐड करेंगे और आटा जिस तरह आप गूंथते हैं उस तरह पूरी का आटा इसे गूंथ लें, या फिर आप चाहें तो इसे लिक्विड डो बनाकर पैनकेक की तरह भी पैन पे ऐड कर सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता पानी डालेंगे और इसे आटा गूंथेंगे। देखिए आटा गूंथ दिया है मैंने, अब इसे हम एग्जैक्ट 1/2 आवर के लिए रखेंगे ताकि हमने इसमें खमीर ऐड किया है, जिससे ये इसकी क्वांटिटी थोड़ी बढ़ जाएगी और अच्छा सा फ्लफी हो जाएगा। इसे कवर करेंगे और 1/2 आवर के लिए रेस्ट करेंगे। इसके लिए हमें शुगर सिरप यानी कि शीरा बनाना है। इसके लिए यहाँ पर मैंने 1 कप पानी लिया है और साथ ही इसमें ऐड करूँगी मैं 3/4 कप शुगर और थोड़ा सा सैफरन ऐड करेंगे यानी कि ज़ैफ़रान, और इसे 10 मिनट के लिए, 8 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे। थोड़े से नींबू के 2 कतरे ऐड करें ताकि ये एकदम क्रिस्टलाइज ना हो। ये देखिए शीरा हमारा रेडी हो गया है। अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी। याद रहे जब हम इसे सर्व करेंगे तो हल्का सा गुनगुना कर पूरी पर ऐड करेंगे। ये देखिए 1/2 आवर हो गया है, डो हमारा अच्छे से सेट हो गया, आप देख सकते हैं। अब इसके हम छोटे छोटे ऐसे पेड़े बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से, और इसे राउंड बेल लेंगे एक ही साइज में। ये देखिए हल्का सा फ्लैट डस्ट करेंगे इसे और बिल्कुल राउंड आप रोटी की तरह इसे बेल लें। अगर आप चाहते हैं आपकी पूरी एक ही साइज की हो तो आप कोई भी राउंड शेप, जो भी आपको साइज पसंद है वो साइज के हिसाब से इसे कट कर लें ताकि आपके पूरी सारे पूरियां एक ही डिजाइन में और एक ही साइज में बाहर आए। देखिए आप साइज थोड़ा बड़ा भी ले सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसकी फिलिंग बताती हूँ मैं आपको। इसमें हम ऐड करेंगे क्रीम सेंटर में, आप चाहे तो नेस्ले का यूज कर सकते हैं या फिर मिल्कमेड का, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पिस्ता, मोटा मोटा पीस लिया है मैंने। साथ ही बादाम पाउडर ऐड करेंगे, ये भी मैंने, आप चाहे तो स्लाइस करके ऐड कर सकते हैं, मैं पाउडर यूज कर रही हूँ। चलिए एजेस पे थोड़ा सा पानी लगाएंगे और इसे इस तरह से आप इसके कोने सील कर दें। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से हमने 5 से 6 पूरी बना ली है और बनते हैं इसमें। चलिए पहले इसे फ्राई कर लेंगे और फिर इसे डिश आउट करके आपको बताएंगे। कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया है डीप फ्राई करने के लिए और गैस का फ्लेम अब मैं मीडियम कर रही हूँ। मीडियम फ्लेम पे हम इसे दोनों साइड ब्राउन होने तक फ्राई करके निकाल लेंगे। देखिए परफेक्टली ब्राउन हो गया है, अब हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए पूरी हमने फ्राई करके रख ली है, अब आप इस पे शीरा ऐड करेंगे। हल्का सा आप उसे गुनगुना कर लें अगर आपने पहले से बना के रखा है, और 2 से 3 मिनट आप इसे इसी तरह शीरे में सोक करके रखेंगे ताकि शीरा अच्छे से ऑब्जर्व कर ले। ये देखिए अच्छे से शीरे में 3 से 5 मिनट हमने इसे रखा है। अब फाइनली हम इस पर ऐड करेंगे
पिस्ता पाउडर। ये देखिए रेडी हो गई है हमारी फाइनल डिश खताइफ अरेबिक स्वीट, जिसको हमने थोड़ा सा कस्टमाइज़ किया है ताकि आप आसानी से बना सकें। ट्राई करें हमारी ये रेसिपी, अगर आपको पसंद आती है सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, शेयर करिए फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में। देखते रहिए हैदराबादी फूड। थैंक यू एवरीवन।